हेलो, वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज जो मैं आपको आंकड़े बताने वाला हूँ, और जो जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, आज के थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा निराशा मिल रहा है इन चीज़ों से, और कुछ को ऐसी चीज़ें भी हो सकती है किसी को कुछ आशा भी मिले। जैसे कुछ इसमें निराशा वाली खबरें अगर मैं आपसे कहूँ तो कुछ निराशा वाली खबरें सबसे ज़्यादा बी एड को लेकर है। जब से ये बी एड और डी एल एड का केस आपस में फंसा हुआ है, तो कभी कोई सी चीज़ मतलब बाहर होती है, कभी कोई सी चीज़ अंदर होती है, कभी मतलब NIO से बी एड करे हुए को बाहर कर देते हैं, डी एल एड करे हुए को बाहर कर देते हैं, कभी मतलब वैकेंसी आने का कोई नाम नहीं रहता, लेकिन अंदर बाहर ये केस चलता रहता है। 2018 से कोई एक नई वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ जरूर देखने को मिल रही है, आपस में लड़ाई। आपस में किस चीज़ की लड़ाई देखने को मिल रही है कि बी एड को बाहर करो या डी एल एड को बाहर करो। लेकिन सबसे ज़्यादा संकट इस बात से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्राइमरी में बी एड एग्जिबल नहीं है, तो जब से ये संकट और ज़्यादा गहराया हुआ है कि जिसकी उस गजट के दौरान, 2018 के गजट के दौरान क्या लगी थी वैके मतलब उसकी नौकरी लग गई थी, क्या उनके साथ भी यही केस होने वाला है? क्योंकि उनका ब्रिज कोर्स भी सरकार ने नहीं कराया है। तो यहाँ पे आपको एक दुखद खबर, यानी कि अभी विचारणीय खबर कह सकते हैं, एक विचारणीय खबर यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि भाई क्या बीएड प्राइमरी से बाहर होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम आज अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और विशेष तौर पर पहले ये देखेंगे कि यूपी बोर्ड परीक्षा इतनी जल्दी, पहले नॉर्मल मार्च अप्रैल में होती थी, लेकिन इतनी जल्दबाजी कैसे हो रही है? चुनाव कभी चुनाव के कारण पीछे होता है, कभी आगे होता है ये चीज़। और प्राइमरी में वैकेंसी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री ये कहते हो कि अनुपात समानुपात हमारा बिल्कुल क्लियर है, बच्चों का कोई दिक्कत समस्या ना, नई वैकेंसी नहीं है, शिक्षा मित्रों को जोड़ के अनुपात समानुपात बराबर, बार बार एक ही खबर आती रहती है बार बार। लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े भी आए हैं प्राइमरी में, जैसे मतलब कहीं कहीं किसी स्कूलों में मतलब बहुत ज़्यादा, आप भी अपने पास के स्कूलों में देखते होंगे कि मतलब टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है। वैसे सरकारी आंकड़े में बार बार ये दिखाया जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया जाता है कि 51,000 पद खाली थे, फिर एकदम सब बंद हो जाता है, फिर विधानसभा चुनाव से पहले 17,000 प्राइमरी वैकेंसी की बात होती है, फिर वे नहीं आती है, फिर मतलब ऐसी उल्टा सीधा सिस्टम चल रहा है, यानी सिस्टम में पता नहीं चल रहा। और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को भी लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा कब से होने की बात कर रहे हैं ये लोग। तो यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो हैं, पहले नॉर्मली हमें देखने को मिलती थी अप्रैल में या मार्च अप्रैल के आसपास में होती थी, लेकिन अब ये जो है 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं बहुत जल्दी होने लग जाएंगी फरवरी में। तो फरवरी के शुरुआत में भी या फरवरी के मिड में भी आपको अपनी परीक्षाएं देखने को मिल सकती है, यानी कि 2 महीने का टाइम घटा है। तो इस वजह से अब सत्र भी थोड़ा जल्दी कर दिया गया, जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देख रहे होगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की नए सत्र की समय सारणी जारी कर दी है, और विभाग के अनुसार अप्रैल माह से नए सत्र की शुरुआत हुई है। पहला 1-2 महीने की छुट्टी होकर मई जून से आपस में सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन अब की बार अप्रैल में से ही सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अक्टूबर में हाफ ईयरली के एग्जाम की बात हुई है, अक्टूबर में आपके क्या होंगे, हाफ ईयरली के एग्जाम होंगे, ठीक है भैया। और फरवरी में आपका क्या होगा, बोर्ड परीक्षा आ जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी को फरवरी के अकॉर्डिंग मान कर चलो। वहीं अगर मैं आपकी नेक्स्ट वाली न्यूज की बात करूं, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूज कि प्राइमरी में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली एक अब अच्छे से अखबार में आई हुई खबर है कि लखनऊ के 89 प्राइमरी विद्यालय 89 विद्यालयों में केवल एक शिक्षक भरोसे चल रहे हैं। वैसे कह रहे हैं लगातार शिक्षा की कमी होती जा रही है, कहीं कहीं स्कूलों में मतलब बच्चे जा भी नहीं पा रहे हैं, कहीं एक बार कहा जाता है कि नामांकन बहुत ज्यादा हो गया है, पीठ थपथपाई जाते हैं, लेकिन वहीं रिपोर्ट आती है कुछ टाइम बाद कि अपने आप ही बच्चे घट गए हैं। तो मतलब ये कैसी न्यूज चल रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा चीजों को लेकर कि मतलब क्या होना चाह रहा है, क्या चीजें चल रही है। तो एक स्कूल वाले बच्चों की संख्या के बारे में बात बताई हुई है कि नगर क्षेत्र में 57 ऐसे स्कूल है जिसमें एक शिक्षक है, और वहीं मतलब कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब है समानुपात अनुपात बराबर तो कर दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं जब ऐसे आंकड़े देखने को मिलते हैं तो एक निराशा दिखती है कि मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा पेच फंसा हुआ है
कि जो बीच के कुछ ना कुछ पट्टे को जोड़े हुए हैं, कि वैकेंसी एक तरफ कहते हैं वैकेंसी आनी चाहिए इन आंकड़ों को देख के, वहीं वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, तो एक तो ये विशेष न्यूज, और एक सबसे स्पेशल न्यूज की बात मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों की शिक्षा मान्यता खत्म कर दी है। वहीं अगर मैं आपसे कहूं मदरसों की मान्यता खराब करने से प्राइमरी शिक्षक की भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब ये वाले जितने भी बच्चे थे, ये जितने भी यूपी में मदरसे में बच्चे थे, ये सारे अब गवर्नमेंट स्कूल में इनके लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा पास के स्कूलों में, तो वहां से उनका नामांकन बढ़ जाएगा, और नामांकन बढ़ने से वहां टीचर की वैकेंसी में भी मतलब देखने को मिलेगी। तो टीचर की लगातार इसी दो न्यूज के भरोसे से ये कहा जा सकता है कि, लेकिन कहीं पे एक तरीके से देख लेगा दूसरे पक्ष को यहाँ पे नुकसान भी है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से मतलब ये वाली जो न्यूज आपको दिखाई हुई है इसका क्या फर्क पड़ने वाला है प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर। मेरा मानना ये है कि अगर ऐसा होता है तो ये सारे बच्चे पास के कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, तो वहां से वैकेंसी डेवलप होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, चलो वहीं अगर दूसरी न्यूज की बात कर लोगों में कि प्राइमरी के शिक्षकों का कोर्ट ने क्या मांगा है, आंकड़ा मांगा है। अब आंकड़े मांगे जाने की बात क्या हो सकती है, एक तो स्पष्ट तौर पर मतलब कोर्ट को ये पता लगेगा कि समानुपात अनुपात की जो ये बात बताते हैं बार बार सभी राज्यों में, क्या ये बात सही है या गलत है। ठीक है, वहीं कभी कभार मतलब स्पष्ट तौर पर अब यहाँ पे जब ये कोर्ट को सारी जानकारी दे देंगे तो फिर ये इस चीज को नहीं कह सकते कि इस जगह यो है, मतलब एक स्पष्टीकरण मिल जाओगा यहाँ से। इस न्यूज से मैं 101% कह रहा हूं कि आपको ये पता लग जाएगा कि वैकेंसी आनी है या ना आनी है, क्योंकि कोर्ट में जो आंकड़े दिए जाएंगे वो झूठे आंकड़े नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि पता क्या हुआ था, इस तरीके की कंडीशन बनी थी कि मतलब कोर्ट में पहले 51,000 वैकेंसियों का हलफनामा लगाया था कि इतनी पद खाली हैं, हम ऐसा कर देंगे शिक्षा मित्रों को हटाओगे, लेकिन शिक्षा मित्रों को बार बार, अगर आपको शिक्षा मित्रों को रखना है तो उनका स्थायी वेतन जो रखिए, स्थायी वेतन रखिए उनका 8-7 हज़ार रुपये में क्या होने वाला है, या तो उनकी बढ़ोतरी करिए। बेचारे वे इतने दिन से पढ़ा रहे थे, मतलब अब 8 हज़ार कहीं कहीं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि प्राइमरी में जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से क्या मांगा है, मतलब खाली पदों का ब्यौरा मांगा है, तो कुछ ना कुछ प्राइमरी में कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। ठीक है, विशेष बात बता रहा हूँ, प्राइमरी में बहुत कुछ अलग होने वाला है। एक नई खबर की तरफ चलेंगे, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर पुरानी, मतलब जनवरी से यो केस चल रहा, मतलब वैसे चलने को 2 साल से चल रहा, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा निराशाजनक स्थिति है ये, कि बीएड वालों की टीचरों की नौकरी छूटने पर ऐसा डर, किसी की टूटी शादी, किसी को हो गया, कोई पहुंच गया डिप्रेशन में। वैसे तो ये अलग अलग स्टेट से बात आ रही है कि जब से बीएड को बाहर करा गया है प्राइमरी से, प्रत्येक मतलब राज्य में जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं और वे नौकरी कर रहे हैं प्राइमरी में, कहीं तो उनका ब्रिज कोर्स हो गया है, कहीं पे ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से, अब सुप्रीम कोर्ट में कहीं कहीं तो डायरेक्टली मतलब कैंडिडेटों को हटा दिया जा रहा है। क्या ये व्यवस्था अब यूपी में भी होने वाली है? यूपी में भी क्या बीएड धारकों को प्राइमरी की जो अब मतलब सरकारी नौकरी कर रहे हैं वे, क्या उन्हें बाहर करा जाओगा? इसका अनुमान आपको 8 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, हायरिंग है, वहां से पता लगने वाला है कि बीएड यूपी में भी बचेगा या ना बचेगा। अगर मैं आपको बता दूं 69,000 में से लगभग 42,000 बीएड शिक्षक धारक है मतलब उसमें, तो मतलब ये बहुत मतलब ज्यादा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज रहने वाली है कि मतलब ऐसा होगा यूपी में या नहीं होगा। ज्यादातर स्टेट में आपको मैं बताऊं, रायपुर में भी देखा गया है ये क्या हुआ, वहां पे भी मतलब टीचरों को हटा दिया गया, वहीं बिहार में भी 32,000 के आसपास में हटा दिया गया है। अगर मान लो बाय द वे यहाँ से ऐसा होता है कि यूपी में भी कुछ बात आती है कि नहीं हटाया जाएगा, वैसे तो बहुत बड़ा प्रेशर है इस चीज को लेकर कि हटा भी नहीं सकते और हटा भी सकते हैं, तो इसके 8 अप्रैल में पूरा चांस है 50-50 कि बीएड बाहर होगा या रुकेगा। तो यहाँ पे अभी तो वैसे लोकसभा चुनाव को देखते हुए मेरा अपनी पर्सनल राय ये है कि मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा अभी रोका जा सकता है यहाँ पे सुनवाई, लेकिन जैसे ही जून जुलाई में कुछ ना कुछ क्या होगा, मतलब जैसे ही रिजल्ट आना लग जाओगे लोकसभा का, तो जरूर से जरूर बम फूटेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जरूर से जरूर यहाँ पे यूपी बीएड वाले अभी संदिग्ध स्थिति में है कि भाई वे किस तरीके से उन्हें रखा जाए या नहीं रखा जाए, बहुत ज्यादा डिप्रेस में है। ठीक है, तो ये खबर बहुत मतलब ऐसी है कि मतलब
मतलब किसी के लिए हो तो फायदे की, किसी के लिए फायदे की नहीं, किसी का हक मारा जा रहा था और किसी का हक नहीं मारा जा रहा था, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं लोगों, ये सारा जो सिस्टम बना हुआ है 2018 के गजट को लेकर बना हुआ है, कि मतलब उससे पहले की मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो आईडी वो आया था, फैसला आया था, उससे पहले पहले देखा जाए या 2018 के बाद बाद का बीएड देखा जाए, तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि 8 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है वहां पे क्या होने वाला है, ठीक है। कमेंट करके बताओ और जल्दी से बताओ वीडियो को कैसे लगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को।